Assalamualaikum, dear students. आज हमारा टॉपिक यही मोतीगंज है, मोनिटीर, मोतीगंज मोनिटीर। तो कल हमने पढ़ा, थोड़ा हम देखें कल का लेसन कि मोतीगंज के बारे में हमने क्या कल पढ़ा। ये एक फेथफुल एनिमल था, एलिफेंट था। इसका मालिक जो था उसकी आदत और अतवार ख़राब थे, लेकिन अपने हाथी के साथ जो उसकी एब्सल्यूट प्रॉपर्टी थी और अपने हाथी के साथ इसका बर्ताव बड़ा अच्छा था। इसको अच्छी तरह से खाने को देता था और इसका बहुत ख्याल रखता था, इसकी हेल्थ और हाइजीन का पूरा ख्याल रखता था। जैसा कि हमने कल देखा कि हफ्ते में एक बार ही इसको दरिया पर ले जाके इसको अच्छी तरह से खूब क्वायर स्वैब के ज़रिए से रब करता था बॉडी को, पूरी बॉडी को, पहले एक साइड में फिर दूसरी साइड में। और इसको खाने के लिए अच्छा शराब भी पिलाता था। इस तरह ये भी बेहद मोहब्बत करता था अपने मालिक के साथ, मोतीगंज जो एलिफेंट है, और मालिक भी इसके साथ बड़ी मोहब्बत करता था और खूब पैसा कमाता था। और तमाम एलिफेंटों से ये सबसे बेहतर एलिफेंट था, क्योंकि इसका नाम ही मोतीगंज था जिसके माने हैं पर्ल एलिफेंट, यानी एक अनमोल हाथी जिसमें बड़ी खूबी हो, जो सबसे अच्छा काम करने वाला हो। तो अब आगे हम क्या देखते हैं कि लेकिन शराब की आदत, जो बुरी आदत जो लगी थी इस देसा में, इसके मालिक में, तो 2 महीने मुतवातिर ये देसा जो काम करता रहा प्लांटर के इस खेत में, इसके फार्म में 2 महीने मुसलसल काम करता रहा, लेकिन 2 महीने तक इसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन इसको शराब की ज़बरदस्त शराब का नशा चढ़ा और शराब याद आ गया। तो जैसा कि हमने कल देखा कि इसने झूठ भी बोला और इसके हवास, ये ऐसा हवास बख्ता हो गया था कि इसको ये भी याद नहीं रहा कि मैं क्या कहता हूँ। कभी कहा कि मेरी माँ गुजर गई है, तो जब वो भी झूठ था तो फिर कहा कि मेरी उधर मेरे शहर में प्लेग आया है, एक वबाई बीमारी फैल गई है। तो इसके बारे में जब मालिक ने उसे कहा, प्लांटर ने उसे कहा कि बताओ इसका सबूत क्या है, इसने कहा मेरे पास चिट्ठी है, कहा कि ज़रा वो चिट्ठियाँ ले आओ, वो पोस्ट ले आओ, क्या चिट्ठियाँ आई हैं, तो कोई चिट्ठी नहीं निकली। तो इस तरह से मालिक ने इसको शरारत से कहा कि जाओ अपना काम करो, अपने काम पर लग जाओ। तो लेकिन देसा को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी काम के साथ, क्योंकि इसको ज़बरदस्त शराब याद आ गया था जिसका ये बुरी तरह से आदी था। अब चूँकि इसको इजाज़त नहीं मिलता है, परमिशन नहीं मिलता है अपने मालिक की तरफ से, प्लांटर की तरफ से, अब इसने क्या किया कि ये अब रोने लगा। और जब रोने लगा तो जब इसने अपने इस मालिक को इसके सामने रोने लगा, तो मालिक को इस पर तरस आया। इसने कहा कि ज़रा इसके हमसाये को बुलाओ, उसका नाम था चौन, चौन इसका हमसाया था, जो वो भी इस प्लांटेशन पर काम करता था। तो जब उसको लाया गया तो उसने कहा कि, मालिक ने उसे कहा कि ज़रा बताओ कि इस देसा के घर में क्या कोई वबाई बीमारी फैल गई है, आपके उधर शहर में क्या इसकी बीवियां मर गई हैं। तो उस चौहान ने कहा, उस आदमी ने कहा जिसको बुलाया गया था, उसने कहा कि जनाब इसकी कोई बीवी नहीं, हमारे गाँव में कोई भी औरत इसकी तरफ देखना नहीं पसंद करती है, तो इसको बीवी है नहीं। तो अब ये देसा जो है ये ज़्यादा परेशान हो गया, ये अब जोर से रोने लगा। अब मालिक ने फिर इसे डांटा कि जाओ अपना काम करो। तो लेकिन देसा को काम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, ये किसी न किसी तरह परमिशन चाहता था। अब देसा के दिल में एक ख्याल आया कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, यानी इसमें एक ये स्टिमुलेशन आ गई, एक इंस्पिरेशन इसमें आ गई कि मुझे अब सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलने से मेरा काम नहीं चलता है, अब मैं सच ही बोलूंगा। तो अब ये प्लांटर के पास आया और कहा, जनाब
मैंने 2 महीनों से शराब नहीं पिया है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं शराब पीकर आऊं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आपके फार्म से बिल्कुल करीब ही होगा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए रुख्सत दीजिए, लीव दीजिए, ताकि मैं ये अपनी ये ज़रूर जो है ये पूरी करके आ जाऊं, तो आपके कौम में कोई नुकसान नहीं होगा। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, अब आपने सही बात बताई, अब आपने सच बोला, तो आपने जो अब सही बात बताई सच बोला तो अब मैं आपको परमिशन देता हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हारा ये एलिफेंट जो है ये किसी और की कमांड तो नहीं लेगा, ये किसी और को और के मतहत काम नहीं करेगा, किसी के ऑर्डर्स ये ओवे नहीं करेगा। तो अगर कोई आपको अरेंजमेंट हो जाता है, ये किसी के कमांड्स को लेगा, किसी के मतहत रहकर ये काम करेगा, कोई और मास्टर इसको चला सकेगा, तो हमें कोई एतराज नहीं। तो इसने कहा कि जनाब आप मुझे इजाज़त दीजिए और लाजमन मैं अपने एलिफेंट को किसी दूसरे आदमी के हवाले करूंगा और बिल्कुल इसको ये एलिफेंट बिल्कुल इसके मतहत काम करेगा। तो जब इसको परमिशन मिला तो इसने एकदम आवाज़ लगाई अपने हाथी को, जो हाथी उसका जंगलों में जंगल की झाड़ियों में बैठा था और वहाँ वो अपने ऊपर दर्द झाड़ रहा था। He was pouring dust over his body. यानी कि ये जानवर जब इसको लेजर टाइम होता है, फालतू वक्त होता है, जब मालिक इस खाने के लिए बैठता है, तो लंच टाइम जब होता है तो ये जानवर भी आराम से बैठते हैं, कुछ वक्त के लिए ये भी रिलैक्स करते हैं। तो इसका ये जो एलिफेंट था ये झाड़ियों में छुप गया था और ये खेल कूद में, और ये अपने आप को अपने इस ट्रंक के जरिए से अपने ऊपर डस्ट पोर कर रहा था, यानी इसके ऊपर से ये गर्दा जो था ये गिर रहा था इसके ऊपर, ताकि वो अपने आप को ये मतलब ये खुशी खुशी से झूम रहा था इसका एलिफेंट। तो एकदम इसने ऐसी तेज आवाज में अपने हाथी को बुलाया, एक सीटी जो मारी, और ऐसी आवाज से इसने इस हाथी को बुलाया कि ये कानू में ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो सकी, यानी द वॉइस पिच्ड इनटू द इयर्स, इसको हम कहते हैं शिल वॉइस, यानी ऐसी आवाज जिसको हम शिल कहते हैं, यानी हाई पिच्ड वॉइस, इस आवाज में इसने इस हाथी को बुलाया। तो हाथी ने जब अपने मालिक की आवाज़ सुनी तो एकदम आया, तो हाथी तेजी से आया और अपने मालिक के सामने बैठ गया। अब प्लांटर भी उतरी है और ये दीसा भी उतरी है, तो प्लांटर भी हैरान हुआ कि देखो कितना फर्माबरदार ये इसका ये हाथी है, और किस तरह ये जंगलों से अपने इस ट्रंक को स्विंग करते हुए आया और मालिक के सामने बैठा। और मालिक ने इसे कहा, जिवेल ऑफ द माउंटेन, जिवेल ऑफ द एलिफेंट्स, ऑफ तो ये इसका खिताब ये देता था, जिवेल ऑफ द एलिफेंट्स, माइटी ऑफ द माउंटेन्स, माइटी ऑफ द माउंटेन्स, ये इसको खिताब देता था, यानी आप ऐसे मजबूत हो जैसा कि एक पहाड़ है, आप ऐसे अच्छे हो जैसा कि तमाम एलिफेंटों से एलिफेंटों का क्राउन ऑफ है। तो अब ये इसने इसे कहा, जरा अपने कान मेरे सामने ले आओ, हाँ, ब्रिंग योर इयर्स टू मी, यानी हियर टू मी। तो अब दीसा ने इसको कहा कि देखो मुझे आपको काम करना होगा, यहाँ मैं 10 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ और आपको मैं एक और मालिक के हवाले करता हूँ और आपको उसके तहत काम करना होगा। तो ये जो एलिफेंट था इसमें उदासी छा गई कि मुझे अपने मालिक से दूर रहना पड़ेगा, मेरा मालिक मुझसे दूर होगा, तो एक उदासी सी छा गई इसकी आंखों में, उसकी आंखों की ट्विंकलिंग शुरू हो गई। इसने सोचा कि मेरा मालिक दूसरा मालिक पता नहीं कैसा होगा और ये मालिक मुझे क्यों छोड़ रहा है। तो बहरहाल इसने जब हाथी इसके सामने अब बैठा और बैठी रहा है, तो इसने दीसा ने अब इस चौहान को ले आया और कहा कि ये आपका मालिक है, इट इज़ योर मास्टर, फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए मुझे छुट्टी है, तो मुझे घर जाना है और आप इस मालिक के कमांड्स में इसके तहत आपको काम करना होगा। और हाथी से ये ऑर्डर किया कि आप इसको अपने गर्दन पर उठाओ, यानी यू लिफ्ट हिम अप टू योर नेक, अपनी गर्दन पर इसको उठाओ। तो एकदम हाथी ने अपने ट्रंक को थोड़ा करव किया और इस अपने नई मास्टर को अपनी गर्दन पर बिठा दिया।
तो इस तरह से जब ठीक तरह से इसने ये मालिक ये प्लांटर जो है ये सब ये मंजर देख रहा है तो, और इसके बाद इसने दिशा ने इस नए मास्टर को जो चौहान था जिसका नाम चौहान था, अब इसको इसके वो जो जिनको हम कहते हैं कि ये एंक्स एंक्स कहते हैं वो हुक्ड होते हैं, जिस तरह ब्रिडल होती है हाथी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसी तरह ये एलिफेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इनको हम एंक्स कहते हैं, यानी एंक्स गोड टू कंट्रोल एलिफेंट्स। तो इसके हवाले वो हैवी एंक्स, वो बड़ी हैवी होती है, मजबूत होती है, इनको हवाले किया इस नए मास्टर के हाथ, और खुद अब मालिक से कहा, प्लांटर से कहा कि जनाब आप बिल्कुल मुतमिन रहिए, ये मेरा हाथी जो है ये अब इसके कमांड्स लेगा, ये इसके मातहत रहकर काम करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसने कहा, इस दीसा ने अब इस एलिफेंट से कहा कि आप मुझे अब गुड बाई कहिए, मैं आपको इस मालिक के हवाले करता हूं, मुझे इजाजत दीजिए मैं जा रहा हूं। तो ये एलिफेंट जो है, एलिफेंट ने इसको कैसे गुड बाई किया, ये अपने अपने इस ट्रंक को करूब किया और इस दिशा के राउंड इस अपने ट्रंक को किया और अपने ट्रंक में दिशा को लिया और इसको स्विंगिंग किया, दो दो दफा इसको ऐसे हवा में घुमाया, यानी ही स्वंग हिज मास्टर ट्वाइस ट्वाइस इन द एयर, दो बार हवा में घुमाकर इस तरह से वो इसको अपने मालिक को गुड बाई करता था। तो अब इसका मालिक गया तो प्लांटर ने भी इसको खुशी खुशी इजाजत दे दी। जब ये गया तो एकदम जब मालिक ने इसे कहा कि आप जाओ, तो दिशा दिखाई नहीं दिया, इतनी इतनी जल्दी से वो जंगलों में छुप गया और तेजी से गया। तो इसका ये जो मोतीगंज है ये अच्छी तरह से काम करता रहा, लेकिन दूसरी सवेरे की बात ये है, और जिस वक्त अब दिशा गया तो उस वक्त इसने अपने हाथी को लाया और इस पर उस टेंट पैग से 10 टाइम्स इसने बीट किया, उसके 4 फीट पर 10 टाइम्स बीट किया, और ये शर्त थी कि 10 दिन के लिए आपको इस मालिक के कमांड्स को मानना है। तो इस तरह से वो जो हाथी था वो खुशी से, वो हाथी जो था वो अपने पैरों को एक जगह जमा करता था, यानी शुफल शफ यानी जम्बल टुगेदर। जिस वक्त ये अपने टेंट पैग से अपने इस हाथी को मार रहा था 10 बार, यानी इसका मतलब ये था कि मुझे परमिशन है 10 दिन के लिए, इसलिए आपको दूसरे मालिक के साथ 10 दिन तक काम करना होगा। तो इस तरह से एक एक उसको इम्प्रेस किया कि 10 दिन तक आपको दूसरे मालिक के साथ काम करना है। तो इस तरह से दिशा जब गया, जाने के बाद अब बराबर 10 दिन तक ये काम करता रहा। अब ये देसा जो खुशी खुशी अपने गांव में रहता है और खुशी खुशी वहां खूब मौज मस्ती मनाता है और शराबें पीता है और कभी कभी सड़कों पर घूमा करता है, तो अचानक उसने वहां एक मैरिज प्रोसेशन देखा। मैरिज के साथ बहुत से लोग होते हैं वो, इसलिए इसको हम प्रोसेशन भी कह सकते हैं। तो मैरिज प्रोसेशन किसे के साथ वो गया, तो वहां भी ये डांसिंग और वो ड्रंकिंग, वो शराबें भी चलती थी और नाच नगमा भी होता था, तो ये इसी में मस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि इसको काउंट ऑफ डेज याद नहीं रहे कि मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी थी, ये काउंट ऑफ डेज उसको भूल गई, उसको ये नहीं याद था कि मुझे कितने दिन हो गए। तो नतीजा ये था, जब 10 दिन पूरे हो गए, अब 11वां दिन, जब 11वीं दिन की सुबह जब आई, यानी वेन द 11th डे डॉन्ड, यानी जब 11वां दिन जब आया, तो उस वक्त हाथी हाथी देख रहा है, हाथी बड़ी बड़ी बेताबी से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है कि मेरा मालिक कहाँ है। यानी अब जब इसको अपना मालिक दिखाई नहीं देता है, अब ये इस चौहान की कमांड्स को नहीं लेता है, क्योंकि इसको पूरा पता था मुझे 10 दिन तक इसके कमांड्स लेने हैं, अब ये इसका कोई कमांड नहीं लेता है। तो यहां अब हमको ये पता चलता है कि मोतीगंज जो अब तक बड़ा फेथफुल था, अब ये मॉनिटियर बनता है, यानी अब ये डिसओबे करता है, अब ये नए मालिक के ऑर्डर्स नहीं मानता है। लेकिन क्यों नहीं मानता है, असल वजह इसकी यह है, 10 दिन के लिए ही इसको इजाजत थी दूसरे मालिक के ऑर्डर्स को मानना। तो अब इसलिए ये नए मालिक चौहान के ऑर्डर्स नहीं मानता है। अब चौहान तो परेशान हो गया, वो मालिक के पास गया
और सवेरे इस हाथी के पता है कि चलो काम पर निकलना है, इसको कमांड देता है, लेकिन ये इंडिफरेंट रहता है। ये ऐसे मतलब घूमता है प्लांट्स फील्ड में घूमता है, ये कंट्रोल नहीं होता है, ये बिल्कुल कमांड नहीं लेता है। और इस तरह से ये चौहान जो है बड़ा परेशान हो गया कि ये प्लांटर के पास आया कि इसे कहा कि जनाब ये हाथी जो है ये मोतीगंज अब कोई कमांड नहीं लेता है, ये कुछ मानता नहीं है, ये हमारे मेरी कमांड ही अब नहीं लेता है। तो मालिक को बड़ी शरारत चढ़, मालिक बड़ा ये बहुत मतलब मालिक बेकरार हुआ। उसने कहा कि क्या बात है, तो ये कमांड्स क्यों नहीं लेता है। तो मालिक बड़ी बड़ी शरारत से इस हाथी के सामने आया। तो जब हाथी के सामने आया तो हाथी ने जब देखा कि इस कुछ कुछ शर कुछ इसके तेवर जो हैं बड़े खराब हैं, तो हाथी इसके पीछे गया, यानी द एलिफेंट चेस्ड द प्लांटर, ये इसके पीछे पीछे गया। तो अब प्लांटर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में गया, घर में दाखिल हुआ और हाथी इसके पीछे गया और इसके बरंडा के सामने उधर बैठा, मकान के सामने बैठा। अब उसके मकान का चक्कर वो करने लगा कि किसी तरह ये प्लांटर नीचे आए ताकि मैं इसको सबक सिखाऊं। अब ये प्लांटर जो है खामोशी से मकान में बैठा। इधर से चौहान जो है, अब ये एलिफेंट जो था ये अनमैनेजेबल था, यानी इसको ये कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो जब जब ये सूरत हाल बनी तो अब जो है, अब ये चौहान जो है ये इस एलिफेंट से कहता है यू आर अनएजुकेटेड, आप जंगलों में जाओ, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपको हमारी ऑर्डर्स नहीं लेता है, इसलिए आपको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, आपको यहाँ दाना पानी नहीं मिलेगा, आप जंगलों में जाओ। तो इस एलिफेंट ने क्या, मोतीगंज ने क्या किया, मोतीगंज ने देखा कि इस चौहान का बच्चा जो था, ये चौहान का बच्चा उधर बैठा था, ये छोटा सा बच्चा 10-12 साल का बच्चा, तो मोतीगंज ने समझा कि ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इसने इसको इस बच्चे को अपने इस ट्रंक में ले लिया और ट्रंक में लेकर इसको 12 फीट ऊपर कर लिया। तो चौहान के सामने, जब चौहान चौहान के सामने इसका बच्चा जब 12 फीट ऊपर है, तो चौहान अब इसके पाँव पर पड़ गया। अब जैसे कहता है कि जनाब मेरे बच्चे को आप छोड़िए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बस इतना ही मेरे पास है, ये मेरी पूरी ये जो प्रॉपर्टी है यही कुछ, इसलिए आप इसको छोड़िए। अब ये इसको फरमाइशी करता है, मैं आपको फ्लोर कैक्स खिलाऊंगा, मैं आपको 11 फ्लोर कैक्स खिलाऊंगा और उनके साथ उनको उनको लिक्वियर के साथ यानी शराब के साथ वो मैं उस उन उ, उनको मैं शराब में मिला के आपको खिलाऊंगा और आपको शुगर केन केन भी दूंगा और आपको ग्रीन जो फ्रेश शुगर केन होगा वो 200 पाउंड्स वो मैं आपको रोज खिलाया करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़िए। तो अब बच्चा तो हाथी ने बच्चे को नीचे किया और अपने 4 फीट के सामने रखा और अब इंतजार करता रहा कि ये जो मुझसे वादा किया गया है कि मुझे खाना खिलाया जाएगा। तो अब ये इन बैठा है और बच्चा अपने सामने रखा, तो चौहान गया जल्दी जल्दी और उसने फ्लोर केक्स भी बनाई और उसने लिक्वेर भी लाया इस हाथी के लिए और हाथी लिक्वेर खा रहा है। तो हाथी ने बच्चे को छोड़ा और बच्चा अपने बाप के पास गया। तो इस तरह से ये मोतीगंज जो था ये बड़ा मोनिटीर था, ये अब जो ऑर्डर्स नहीं लेता था। तो यूं ही वो प्लांटेशन फील्ड्स में ज्यादा जा करता था, लेजरली वहां बैठा करता था, उधर 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 प्लांटेशन क्रॉप्स को भी उसने क्रश किया था, यानी वो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करता था, क्योंकि वो मालिक के मारे बहुत परेशान था कि मेरा मालिक जो है वो एक दिन अलावा हो गया, वो अभी तक कहाँ है। अब जब हम देखते हैं कि अचानक दीसा को याद आ गया कि मुझे तो देर हो गया, मुझे तो टाइम अलावा हो गया, वो दो तेजी से आ रहा है और उसको ये फिक्र है कि मेरा मालिक मुझे शायद नहीं छोड़ेगा, मेरा मालिक मुझसे शरारत करेगा, मेरा मालिक मुझे शायद तनख्वाह नहीं देगा और मुझसे नाराज होगा। तो जब आया तो इसका ये प्लांटर जो है ये बड़ा खुश हुआ क्योंकि इसका काम बैठ गया था, ये हाथी जो है ये अब ये किसी की कमांड नहीं लेता था। तो अब देसा जब आया तो सलाम करने के बाद अपने मालिक को सल्यूट देकर जब आया तो मालिक से माफी मांगी। मालिक ने कहा ठीक है आप तो आए, लेकिन अपने हाथी को बुलाओ, काम पर लग जाओ।
तो एकदम इसने हाथी को ऐसी आवाज मारी और हाथी पता नहीं कहाँ गया था। और एकदम हाथी ने जब आवाज सुनी अपने मालिक की, एकदम आया। और कैसे आया कि कहते हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन से भी तेज ये हाथी दौड़ के आया। और ये गैलोप जिसको हम कहते हैं, गैलोप 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 मीन्स जंप। ये तो हाथी तो जंप नहीं करते हैं, लेकिन इनके इनके चलने का अंदाज जो है ये मुख्तलिफ होता है। इन वेरिंग स्पीड्स ये हाथी हाथी चलते हैं। तो लेकिन इतनी तेजी से ये आया कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन भी होती उसको भी वो पीछे करता। जब उसने अपने मालिक की आवाज सुनी और जब मालिक के सामने पहुंचा और अब अपने मालिक को सलूट दिया, अपने मालिक के ऊपर अपने ट्रंक में उसको उठा लिया और उसके सामने बैठा और सलूट दिया, और इसने इसके ट्रंक को एम्ब्रेस किया और दोनों रोने लगे। जब ये दोनों रोने लगे और अब ये दोनों जो थे ये बहुत बहुत खुशी से जब इन्होंने अच्छी तरह से एक दूसरे को देखा, तो अब इस ये प्लांटर ये हाल देखकर बहुत खुश हुआ। और इसी तरह दीसा ने कमांड किया एलिफेंट को, चलो हम काम पर जाएंगे। और एकदम दीसा को इसने लिफ्ट किया अपने अपने इस नेक पर, लिफ्ट किया इसको, बिठा दिया इसको अपने नेक पर और काम पर जा गई। और काम पर गए और काम करने लगे, और मजबूत से मजबूत तरीन ट्रंक्स जो होते थे, मजबूत स्टैम्प्स होते थे, उन स्टैम्प्स को क्लियर करने में इसका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये एनिमल्स जो हैं कि जब इनको इनको ट्रेन किया जाता है तो किस तरह ये फैक्टफुल होते हैं और कितने इनको अपने मालिक के साथ अफेक्शन होती है। तो ये इस लेसन के बारे में था। तो यहाँ जो इंस्पिरेशन है इसका मतलब है स्टिमुलेशन, यानी इमोशन, यानी कि देसा जाना ही चाहता था। अब इसने ठान ली कि इसकी जज्बात भड़क गई, अब इसने इसकी जबान से सच ही निकला। तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी इसको एक स्टिमुलेशन आ गया कि अब मैं सच ही बोलूंगा। ग्रेशियस यानी काइंड, यानी वार्म काइंड, यानी ये ग्रेशियस रिसिप्ट परमिशन। जब दीसा को दीसा खुश हुआ कि मेरा प्लांटर मुझे परमिशन देगा, तो इसको हम कहते हैं ग्रेशियस परमिशन। तो श्रुग ये जो जब जब दीसा ने अपने हाथी को बुलाया तो वो आवाज जो उसने की वो उसी को कहते हैं श्रुग, यानी हाई पिच्ड साउंड। तो इसी तरह पुअर, वो जब हाथी जब आया वो अपने ऊपर डस्ट पोर कर रहा था, उसी को हम कहते हैं पोरिंग डस्ट ओवर हिज बॉडी। ग्रंटल यानी सेटिस्फाइड, यानी ये जो जब जब इसने जब जब दीसा ने अपने एलिफेंट से कहा कि मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी है, तो लेकिन इसके इसके एलिफेंट ने इनकार नहीं किया। हालांकि वो नाराज तो हुआ, हालांकि उसको वो तो थोड़ा परेशानी उसमें हुई, लेकिन अपने मालिक का हुक्म माना और इस तरह से वो सेटिस्फाई रहा इसके इसकी इसके इस हुक्म को सुनने में और इसका ऑर्डर सुना कि मुझे दूसरे मालिक के हवाले जो किया गया, तो उसने उसको खुशी से वो माना उसके ऑर्डर। शफल यानी जम्प टुगेदर, जब उसने उसके टेंट पैक से इसके फीट को ऐसे 10 टाइम्स उनको इम्प्रेस किया, तो उस वक्त ये हाथी जो था जम्प करता था अपने इन फीट को, यानी एक जगह जमा करता था। एंक्स वो जो अभी हमने कहा कि हैवी एंक्स जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है, ये आयरन का होता है। ट्रम्पेट यानी क्राई ऑफ द एलिफेंट। डाइवर्ट डाइवर्ट हाइट, यानी जब उसको परमिशन मिल गई तो इसको रास्ता नहीं दिखाया गया, तो जिस वक्त ये गया ये एकदम छुप गया जंगलों में। दिशा तो स्ट्रोल का मतलब है वांडरिंग लेजरली, जब 11वें दिन भी मालिक नहीं आया तो अब ये जो है ये हाथी जो है ये सिर्फ स्ट्रोल करने लगा, ये लेजरली अब फील्ड्स में घूमने लगा, ये किसी के कमांड्स अब नहीं लेता है। तो ऐसे इसको हम स्ट्रोल कहते हैं, यानी वो लेजरली घूम रहा था इस प्लांटेशन फील्ड में, किसी के कमांड्स नहीं लेता था। अनमैनेजेबल यानी अब ये अनमैनेजेबल बन गया था, अनकंट्रोल्ड बन गया था, तो कोई हाथी को कंट्रोल नहीं कर सकता है अगर हाथी वायलेंट बन जाए। तो इसी तरह ये जो ये चौहान जो था जो इसका दूसरा मालिक था, अब इसके लिए ये हाथी जो था ये अनमैनेजेबल था, यानी इट वॉज नॉट एबल टू बी कंट्रोल्ड, इट वॉज अनकंट्रोलेबल। अनएजुकेटेड, तो चौहान को जब जब ये अनकंट्रोल रहा तो चौहान ने इसे कहा कि आप ट्रेंड नहीं है, आपको एजुकेशन नहीं मिली है, आप अनट्रेंड है, यू आर नॉट ट्रेंड। तो गैलोप का मतलब है जब जब दीसा जब 11वें दिन देर अपने घर पहुंचा, तो
हाथी जब इसने अपने हाथी को बुलाया तो हाथी खुशी में ऐसे आया तो लेकिन गैलोप को जंप करके नहीं आया, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को भी वो पीछे कर सकता था, इतना तेज वो दौड़ा अपने अपनी मालिक की आवाज सुनते हुए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो होप आप इस लेसन को फिर अपने खुद पढ़िए और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये वर्ड्स जो हमने आपको ये जो स्टोरी बताई, तो आप इसको पढ़ने खुद पढ़ने से इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।